हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चौपर सर्किट से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए और सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए आज का पहला क्वेश्चन है इन द डैश टाइप ऑफ चौपर टू स्टेज कन्वर्जन टेक प्लेस एसी ए सी लिंक डी सी लिंक नन ऑफ द मैं तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा एसी लिंक क्यों देखिए एसी लिंक में क्या होता है पहले डीसी को एसी में कन्वर्ट किया जाता है यहां से इसको स्टेप डाउन या स्टेप अप किया जाता है और फिर से इसको डीसी में कन्वर्ट किया जाता है ठीक है तो देखिए डीसी से एसी में आया और फिर एसी से डीसी में गया तो टू स्टेज कन्वर्जन हो गया है ना तो ए लिंक टाइप में ऐसे ही होता है अगला क्वेश्चन है चौपर कन्वर्ट्स एसी टू डीसी डीसी टू एसी डीसी टू डीसी एसी टू एसी तो बच्चों चौपर क्या करता है डीसी को डीसी में चेंज करता है है ना कैसी डीसी को फिक्स डीसी को आपको वेरिएबल डीसी में देता है ठीक है फिक्स को वेरिएबल में देगा ठीक है अगला क्वेश्चन है ए चौपर में बी थॉट एज ए इन्वर्टर विद डीसी इनपुट डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एन एसी डायोड रेक्टिफायर डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एन इंडक्शन मोटर इसका आंसर क्या हो जाएगा देखिए ट्रांसफार्मर क्या करता है ए सी को एसी में करता है और ये किस में कर रहा है डीसी को डीसी में तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये डीसी है लेकिन ये गलती कभी मत करिएगा बच्चों कि इसको आप ट्रांसफार्मर मान लीजिएगा है ना ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल नहीं है क्योंकि ट्रांसफार्मर कुछ होता ही नहीं है अगला क्वेश्चन है विच डिवाइस कैन बी यूज इन ए चॉपर सर्किट चॉपर सर्किट में कौन सी डिवाइस यूज करते हैं बीजेटी मॉसफेट जीटीओ ऑल ऑफ द मेन्सेंट तो आप किसी से भी चौपर सर्किट बना सकते हैं चाहे वो हो GTO, हो या जीटीओ तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अगला क्वेश्चन है चौपर ए ए इज टाइम रेशियो कंट्रोलर देश कन्वर्टर डीसी ट्रांसफार्मर हाई स्पीड सेमी कंडक्टर स्विच तो इसको देखते ही आपका मन लग रहा होगा कि ये डीसी ट्रांसफार्मर है जो कि गलत है है ना क्या है ये हाई स्पीड सेमी कंडक्टर स्विच होता है बच्चों कैसे देखिए, जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज मिलता है ऑफ करते हैं नहीं मिलता है फिर ऑन करते हैं फिर मिलता है वोल्टेज और ऑफ करते हैं तो नहीं मिलता है इस तरीके से एक फिक्स डीसी को हम लोग वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्यूटी साइकिल ऑफ ए चॉपर तो ड्यूटी साइकिल क्या होती है बच्चों टी ऑन अपॉन टी ऑफ टी ऑन अपॉन टी टी आँपां टी ऑन टी ऑफ इन टू टी ऑन तो देखिए इसमें कुछ कंफ्यूज नहीं हुई है ड्यूटी साइकिल किसको कहते हैं 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 अल्फा नाम से हम लोग देखते हैं, उसको लिखते हैं. और ये होता है कि कितने देर के लिए आपने स्विच को ऑन रखा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड है ना टी ऑन मतलब कितने देर के लिए ऑन है और टी मतलब है टोटल टाइम पीरियड अब ये टोटल टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है ये होता है टी ऑन प्लस टी ऑफ के क्योंकि या तो स्विच ऑन रहेगा या तो ऑफ रहेगा है ना तो ये दोनों मिला के टोटल टाइम पीरियड बनता है तो यहां से इसका आंसर हो जाएगा सिक्स का बी टी ऑन अपॉन टी ठीक है अगला क्वेश्चन है द लोड वोल्टेज ऑफ ए चॉपर कैन बी कंट्रोल्ड बाय वायरिंग द ड्यूटी साइकिल फायरिंग एंगल रिएक्टर पोजिशन एक्साइटिंग एंगल तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यूटी साइकिल हम लोग इसको ऑन ऑफ की मीन्स टी ऑन को चेंज करके ड्यूटी साइकिल चेंज कर लेंगे देर के लिए ऑन रख रहे हैं और वहां से हमारा आउटपुट वोल्टेज वेरी कर जाएगा अगला क्वेश्चन है अल्फा की वैल्यू कहां, कहां तक होगी तो देखिए अभी आपने कहा कि अल्फा अल्फाइस टू होता है टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ अब देखिए मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन की बात की है तो या तो होगा कि टी ऑफ आपका जीरो हो जाए टी ऑफ जीरो का मतलब हो गया ऑलवेज ऑन मीन्स स्विच जो है वो कैसी है ऑलवेज ऑन है कभी बंद ही नहीं हो रही है तो हमेशा आउटपुट मिलेगा तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी देखिए टी ऑन अपॉन टी ऑन और टी ऑफ की जगह जीरो कर दीजिए तो इसका मतलब हो गया अल्फा की वैल्यू वन ठीक है और अगर टी ऑफ की जगह टी ऑन इक्वल टू जीरो हो जाए मीन्स आपका स्विच हमेशा कैसा है ऑलवेज ऑफ कंडीशन में है तो इस कंडीशन में देखिए अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फा अल्फाइक् जीरो, जीरो प्लस टी ऑफ है ना तो जीरो टू, ये कितना हो जीरो आंसर तो मतलब जी तो तो क्या हो जाएगा जीरो टू वन आठवें का पहला सही होगा गलती मत करिएगा इक्वल है, है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा है ना ए पे मत टिक करिएगा इक्वल टू भी रहेगा मींस अल्फा क्वस टू जीरो और मैक्सिमम इक्वस टू वन पहले वाले हमेशा ग्रेटर देन देन और लेस लिखा है जो कि गलत हो जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप हमारी तरह गलती कर देंगे पे ए -पी टिक कर, -कर अगला क्वेश्चन है इफ टी इज द टाइम पीरियड ऑफ ए चॉपर सर्किट एंड अल्फा इज द ड्यूटी साइकिल देन द चॉपिंग फ्रीक्वेंसी इसमें चॉपिंग फ्रीक्वेंसी की बात की है तो देखिए अभी आपने निकाला कि अल्फा इक्व होता है टी ऑन अपॉन t तो यहां से टी इक्स्टू कितना हो जाएगा t ऑन अपॉन अल्फा अब टीव क्या होता है upon f होता है है ना t upon f, तो f क्या हो जाएगा अल्फा अपॉन t ऑन देखिए आंसर d हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन है फाइंड द आउटपुट वोल्टेज एक्सप्रेशन फॉर ए स्टेप डाउन चॉपर विद वी एस एज द इनपुट वोल्टेज एंड अल्फा इज द ड्यूटी साइकिल ऑप्शन है v vs अपॉन अल्फा और यहाँ पे है 2 vs एस अपॉन अल्फा फाइव तो बच्चों स्टेप डाउन की बात कर लें स्टेप डाउन का पूछा है यहाँ पे तो स्टेप डाउन में हमेशा वोल्टेज कैसा होगा कम होगा तो आउटपुट वोल्टेज देखिए जो होता है वो होता है अल्फा इंटू वी ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फा इंटू बी एस मतलब ऑप्शन बी अगर वहीं बात करें स्टेप अप की है ना इसमें नहीं पूछा है तो स्टेप अप में जो आपका वोल्टेज आता है वो कितना लिखते हैं हम लोग वी एस अपॉन वन माइनस अल्फा ठीक है यहां देखिए अल्फा की वैल्यू हमेशा एक से कम रहेगी तो इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज हमेशा वी नॉट से कम ही रहेगा इसीलिए इसको स्टेप इस डाउन करते हैं तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन कु� के साथ थैंक यू सो मच